आपका क्या नाम है? कांति देवी। कांति देवी, किस समाज से आती हैं आप? हम चमार बिरादरी से। आप लोग किसको वोट कर रहे हैं यहाँ पर, क्या माहौल है? हम लोग बहन जी का सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कपड़े से इसलिए नीला कपड़ा भी पहन के निकली है? हम अध्यक्ष रह चुके, इसके वॉलंटियर फोर्स के अध्यक्ष अब भी हैं। तो लोग कह रहे हैं बहन जी ने तो भाजपा को समर्थन दे दिया था पिछली बार। नहीं, कभी नहीं दिया। हम लोग हमेशा बहन जी के सपोर्ट में चले आते हैं, चाहे वो किसी का खड़ा करे, हम लोग किसी का। तो यहाँ से कौन जीत रहा है इस बार? शकील भाई। वोट दे रहे हैं? हाँ, वोट दे रहे हैं हम लोग, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या मुद्दे क्या है, भाजपा से क्यों नाराज हैं लोग? मुद्दे का नाराज है, वे कोई सही काम ही नहीं कर रहे हैं। किसी का नौकरियां या बच्चे पढ़े लिखे हैं, वे किसी का कोई कुछ है, घूम रहे बेचारे ऐसे। अच्छा, आपके क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे तो बहुत हैं इस सरकार में, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई सही जो है काम ही नहीं हुआ। क्यों, जिन्ना, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मुद्दे नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई मेरी समझ से तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। और जैसे हम आपसे ज़्यादा क्या कहें कि हम जाटो बिरादरी, चमार बिरादरी से संबंधित हैं, और ऑलरेडी यहाँ पर ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा ही नहीं आज तक ना उठा, और ना शायद हमें उम्मीद है। यानी मोहम्मदी काफ़ी पीसफुल जगह है जी। तो ये पूरा, ये असर पूरे प्रदेश में है या सिर्फ मोहम्मदी में? देखिए, पूरे प्रदेश का तो न्यूज थोड़ी बहुत देखते हैं, लेकिन हमें तो वैसे उम्मीद है पूरे प्रदेश में। सब सीटें हरदोई से निकल रही हमारी। अच्छा, बहन जी बसपा लड़ी? हाँ हाँ, बसपा में सब सीटें हैं बहन जी। तो लखीमपुर से लड़ रहे हैं बसपा सब लोग। तो मुख्यमंत्री बहन जी बन रही इस बार? हाँ, बन रही हैं बिल्कुल। क्या आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा बसपा के लिए कि बहन मायावती ने जो पिछली बार कोई नहीं किया विकास किया, ऐसा विकास आज तक कोई सी नहीं किया। हमको क्या जरूरत है? शिक्षा, रोजगार, यही हमको दो चीजें मूल। कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई स्कूटी बांट रहा है, ये हमको जरूरत नहीं है। हमें रोजगार मिल जाएगा तो हम अपने पैसे से हर चीज खरीद लेंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। चावलन से थोड़ो हम लोग जी सके, हम लोगों को नौकरियां चाहिए, बच्चे शिक्षित बने। जो मोदी जी चावल दे, गेहूं दे रहे हैं, उससे पेट नहीं भर, गेहूं से नहीं पेट भरेगी। हम लोगों को शिक्षा चाहिए, नौकरी, बच्चे सही जगह लगे हैं, रोजगार। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस सरकार में सब स्कूल बंद ही ऑलरेडी चल रहे हैं। इनकी सरकार में 2 साल से स्कूल कोरोना निकाल, जहाँ पे निकाल रहे हैं वहाँ पर लॉकडाउन, जहाँ भी स्कूल खुलता है लॉकडाउन। शॉपिंग मॉल खुल जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं खुलता, स्कूल नहीं साहब खुल रहे हैं। कहाँ खुल रहे हैं आप बताइए? पढ़ाई अपने आप बंद करे हुए हैं, सारे मंदिर दुनिया खुले हुए हैं लेकिन स्कूल बंद हैं। जगह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर तो स्कूल होता है, कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर स्कूल है वो बंद है, लेकिन सारे मंदिर बाकी सब मंदिर खुले हैं। और एक बात और जो है, जो जितने जो फैलाया जा रहा है, ये मोदी सरकार कह रहे हिंदू 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 मुसलमान मुसलमान, मैं उनको सबको बता देना चाहता हूँ, न हिंदू बड़ा है न मुसलमान बड़ा है। बड़ा है तो सिर्फ ईमान बड़ा है। इसके जहाँ सारा मुसलमान केवल बसपा को ही वोट देगा। और जैसे पहले मीडिया ने बताया था, पहले 2007 में मीडिया दिखा रही थी, 2007 में जब बहन जी की फुल सरकार बनी थी, मीडिया दिखा रही थी कि सर ये बहुजन समाज पार्टी जो है सत्ता केवल 2 से 7 सीटें लाएगी, लेकिन 2007 में 207 सीटें आई थी। उसी तरीके से आपकी सीटें मेरे हिसाब से 250 कम से कम आने वाली। मीडिया वाले हैं हम 300-400 नहीं दिखा रहे। अब हम आपसे कह दें हम 300 हम ला रहे हैं, वो कह रहे हैं 300 हम ला रहे हैं, तो भाई हम भी तो कह सकते हैं 800 ला रहे हैं, तो आप पूछिए हम कैसे ला रहे हैं। जब अमित शाह 300 ला रहे हैं, अखिलेश यादव 300 ला रहे हैं, नहीं अखिलेश तो पूरे 400 ला रहे हैं, सिर्फ 3 छोड़ रहे हैं। अमित शाह भी 300 ला रहे हैं, 300 पार कर रहे हैं, तो यार हम तो 800 कह भी सकते हैं। सीटें तो 400 हैं, तो 800 कहाँ से हो रही हैं। लेकिन मैं अपनी सिर्फ पूर्वफुल बहुमत की सरकार बनने जा रहा हूँ, 250 सीटें मेरी लमसम आएंगी। मीडिया ये नहीं दिखाती है बसपा का कहीं पर जनाधार, इनका शांत जनाधार है, उसको नहीं दिखा रहे। उसका कारण है, मीडिया इसलिए नहीं दिखाती, मीडिया सपा को आगे कर रही है क्योंकि भाजपा का वोट बैंक बढ़े, जिससे मुस्लिम डरे कि सपा आगे चाह रही है, हिंदू जो बैक वर्ड जो वोट है वो उससे डरे
कि मुस्लिम अगर अखिलेश की सरकार बन गई तो मुस्लिम को बढ़ावा मिलेगा, और मुस्लिम को बढ़ावा मिलेगा तो अगली बार हमारी पूर्ण बहुमत की जो 2024 में सरकार हम फिर से बनाएंगे। ये भाजपा की चाल है, इसलिए सपा को आगे दिखा रही है, बसपा का कहीं नामो निशान नहीं दिखाती है, लेकिन उसका साइलेंट वोट है, वो एक एक वोट सारा है जो बसपा पे पड़ेगा, और बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 22% वोट बसपा को 2017 में मिला था, सेकंड नंबर की पार्टी बन के आई थी। और मीडिया एक परसेप्शन बनाती है ना कि बसपा से मुस्लिम को अलग करके सपा में खनवाने का काम, क्योंकि सपा के पास मुस्लिम टोटल वोट भी मिल जाए तब भी सपा सरकार बना नहीं सकती। तो बीजेपी को अपनी लाइन क्लियर करने के लिए मुसलमानों को सपा में घुमाना पड़ता है। तो बहन जी उस टाइम लड़ती नजर क्यों नहीं आ रही? बहन जी को जमीन पर संघर्ष करना, जिस तरह अखिलेश कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, बहन जी को भी तो लड़ना चाहिए। बहन जी जो लड़ाई कर रही हैं, उस लड़ाई को हमारे आप तक पहुंचाने का काम मीडिया का है, और मीडिया कैप्चर कर रखा है मोदी जी ने, तो जो मोदी जी आदेश देंगे वो मीडिया दिखाएगी, है ना। समझ से तो ये है कि कुछ मीडिया भी गड़बड़ कर रही है कहीं पर, जो है हमारी पार्टी का जैसे बसपा का कोई जो है पेपर में अधिकतर निकलता ही नहीं है, कहाँ निकलता है, सब भाजपा का निकलता है। मनवादी मीडिया बैठी हुई है इसलिए नहीं दिखाती है। मीडिया बिकी भाई है मोदी से, मीडिया बिक गई है। हाँ, मीडिया बिक गई है, मोदी ने खरीद ली है। कितने पैसे में खरीदा बताइए? अब हमको क्या पता, अरे बहुत खरीदी, करोड़ों में खरीदी। अखिलेश ने कैसे दाऊद को टिकट 1 करोड़ रुपया ले लिया? किससे लिया अखिलेश ने 1 करोड़? दाऊद से। अच्छा, दाऊद से लिया टिकट भी नहीं? यहाँ वाले 30 आदमी रह गए टिकट लेने के लिए, यहाँ क्षेत्र वाले को टिकट ही नहीं दिया गया। अच्छा, दाऊद इम्पोर्टेड कैंडिडेट है, बाहर से लाए हुए? हाँ, लखनऊ से। यहाँ टिकट क्षेत्र वाले को मिलती नहीं, बाहरी वालों को टिकट दे दी गई। अखिलेश यादव और जो अखिलेश यादव और मोदी दोनों मिले हुए हैं, दोनों लोगों ने मिलके सोचा, यहाँ की सीट ने हर जगह ये सोचा है, जहाँ मुस्लिम जीत रहा था वहाँ अखिलेश यादव ने टिकट उसकी काट दी, ठीक है, दूसरों को दे दी। अब यहाँ उन्होंने देखा ये जीत जाएंगे शकील भाई, तो उन्होंने दाऊद को टिकट दे दिया। टिकट तो यहाँ तो कार्तिक तिवारी को होना चाहिए, टिकट यहाँ पे बाला प्रसाद अवस्थी को हो रही थी जो बीजेपी से भागे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई दाऊद को टिकट दे दो, लेकिन दाऊद को 100% हारना है यहाँ से। मुस्लिम जो है केवल भाजपा पार्टी को वोट, बीजेपी का विधायक बनेगा इस नियत से जो है ऑलरेडी शकील भाई का 1 महीना पहले टिकट हो चुका था। यहाँ अखिलेश जी ने क्या किया कि कार्तिक तिवारी यहाँ के बहुत जो है युवा नेता हैं, अच्छे नेता, उनको टिकट उनका काट दिया। फिर दूसरे नंबर पे बाला प्रसाद अवस्थी जो यहाँ जो है 2012 से 2017 तक जो है विधायक रहे, उनका भी टिकट काट दिया। लखनऊ से टिकट दिया है दाऊद अहमद को, क्यों? क्योंकि सिर्फ शकील भाई को हराने के लिए, क्योंकि बीजेपी का विधायक बने ये अखिलेश जी ने, तो इसे क्या किस नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी समाजवादी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। पहले चाचा ये बताइए, मोदी जी से लोग नाराज़ क्यों हैं? हाँ, मोदी जी से क्यों नाराज़ हैं आप इतना ज़्यादा? मोदी जी से नाराज़ इस बात पर है, जानवर होगी मोदी ने छोड़ दिया, किसानों को खा रहे गल्ला पैदा ही नहीं हो रहा है, इसी बात पर नाराज हैं। कोई ना उन्हें रेट बढ़ाई ना ही कीमत गन्ना की और उसकी धान गेहूँ की बढ़ाई ना ही, गरीब मरो जाई रहो। अच्छा, जो ये चावल वावल बांट रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? चावल वाले से क्या, वो तो किसानों को 1000 रुपया हम धान लिया गया पैसा है, हमको ही अगर दे दिया जाए, इस्तेमाल करने नहीं दिया जाता, हमारा पैसा है, हमें तो मिले भाव। अच्छा, वापस कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है आप लोगों के? नहीं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है यहाँ, कोई रोजगार नहीं। सिलेंडर की कीमत कितनी पहुंच? अच्छा, जब 300 में सिलेंडर था तो लोग बहुत खुश थे, अब 1300 में मिल रहा है तो लोग परेशान क्यों नहीं है? परेशान है नहीं, अब 1000 रुपये मिल रहा है सिलेंडर। और क्या मुद्दे हैं, आप क्या सोचते हैं? आप तो प्रधान है, जनता से संवाद करते होंगे सीधे, तो जनता क्या कह रही है आपकी? आपके अंडर में 1000-2000 लोग होंगे। हाँ, जनता बहुत परेशान है, ये सरकार में रही है बीजेपी सरकार में, मारे काटे जा रहे, लटवन को पुलिस ने सताया लजाया, दलाली खोरी भाई, सभी बात भाई। ठीक, शुक्रिया।